Greetings everyone and welcome to House of Intellectuals. Friends, as you know that in my previous video I have used all the present tenses to translate Urdu into English. This time I will use past indefinite tense and past continuous tense to show you how you can convert Urdu into English with the help of those tenses. बेसिकली मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि जो एक इंग्लिश के अर्ली लर्नर्स हैं उनके लिए आसानी हो, क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा के जो लर्नर्स होते हैं उनको वो समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं टेंसेस के हवाले से और उनके लिए बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं. तो स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोज़ को लगाने का मकसद या इन बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो हमारे जो अर्ली लर्नर्स हैं उनको बआसानी समझ आ सके कि आपने टेंसेस को किस तरह से यूज़ करना है ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर सकें, या बेशक वो इंग्लिश से उर्दू में कर लें या उर्दू से इंग्लिश में कर लें, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी. तो इस दफ़ा मैंने एक कह लें कि न्यू एक इनोवेटिव वे चूज़ किया है, क्योंकि आई फील लाइक कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्पेशली जब मैं बोर्ड के सामने होता हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कि बार बार मैं सामने आता हूँ, तो इट कैन बी इरीटेटिंग. तो इसीलिए मैंने एक इनोवेटिव वे यूज़ किया है ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके. तो होपफुली कि आपको ये जो वीडियो इस दफ़ा ज़्यादा बेहतर लगे. और एक और बात मैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले करना चाहूँगा कि इस दफ़ा जो स्टोरी है वो मैंने बहुत ही एक कॉमन स्टोरी का यूज़ किया है, कि ये कह लें कि हमारी बेड टाइम स्टोरी है जो अक्सर हमने बचपन में सुनी हुई है, तो इसलिए ये स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉमन है. और बीइंग ए अर्ली इंग्लिश लर्नर, या बेशक आप एक बैचलर्स लेवल पर हैं, कॉलेज लेवल पर हैं, मैट्रिक लेवल पर हैं, बीइंग एन इंग्लिश लर्नर आपको इस स्टोरी का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपने उसे उर्दू में कैसे करना है या फिर इंग्लिश में कैसे करना है. तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इस तरह की कॉमन स्टोरीज़ को आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए. और ये स्टोरी इन पैरा है तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगी कि एक प्रॉपर पैराग्राफ है उसको आपने इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश में कैसे लेकर आना है. तो ये स्टोरी के कुछ सेंटेंसेस में भी आपको थोड़े से ऑड लगें, अजीब लगें, या आपको लगे कि उर्दू के लिहाज से ये सेंटेंसेस ठीक नहीं हैं, लेकिन मैंने इसलिए वो थोड़े से सेंटेंसेस चेंज किए हैं ताकि मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड स्पेसिफिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इन दोनों का आपको एग्जैक्ट एक इस्तेमाल बता सकूँ. तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को. तो सबसे पहला सेंटेंस है जी, हमारे पास एक शेर जंगल में रहता था. रहता था मींस कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें एक रूटीन का पता चल रहा है लेकिन वो एक गुजरे हुए ज़माने में. तो पास्ट इंडेफिनिट के आपको रूल पते हैं कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना. तो लिव्ड अ लायन लिव्ड इन अ जंगल. अब ये देखें सेकंड सेंटेंस है जी हमारे पास, एक दिन वो दरख्त के नीचे आराम कर रहा था. कर रहा था मींस कि ये पास्ट कंटिन्यूस में चला गया है. तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा तो आपने कहना है एक दिन, वन डे. इट वाज रेस्टिंग, के एक दरख्त के नीचे वो आराम कर रहा था. इट वाज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे. तो नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारे पास, उसके ऊपर एक चूहा आकर खेलने लग पड़ा था. तो इसके ऊपर एक चूहा आकर खेलने लग पड़ा था मींस कि ये पास्ट इंडेफिनेट में दोबारा हमारे पास आ गया था, क्योंकि लग पड़ा था. तो आपने कहना है उसके ऊपर, ऑन इट अ रैट स्टार्टेड टू प्ले, उसके ऊपर ऑन इट अ रैट, एक चूहा आकर खेलने लग पड़ा, स्टार्टेड टू प्ले. तो ये सिंपली आपने क्या किया कि विदाउट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब आपने इसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर दिया. नेक्स्ट है जी हमारे पास जो सेंटेंस आता है वो है, शेर गुस्से में उस चूहे को पकड़ लेता था. अब जब पकड़ लेता था आपने कहना है, तो इसमें फिर हमारे पास कौन से जी, ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ गया, अब हमें क्लियरली पता चल रहा है. तो आपने कहना है इन एंगर, गुस्से में इन एंगर, लायन कॉट दैट रैट, इस चूहे यानी कॉट दैट
दैट रैट इस चूहे को पकड़ लेता था कि बोर्ड गुस्से में उसको पकड़ लेता था इन एंगर लॉयन कॉट दैट रैट. नेक्स्ट है जी हमारे पास चूहा उससे रहम की दरख्वास्त कर रहा था. कर रहा था मींस कि फिर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस में आ गया. पास्ट कंटिन्यूस में आपको रूल्स पता है कि आपने वॉज और वर्ब का इस्तेमाल करना होता है और साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना होता है. तो इसमें हमारे पास जो एक आएगा कि रैट वॉज रिक्वेस्टिंग, दरख्वास्त यानी कि रिक्वेस्टिंग, कि रैट वॉज रिक्वेस्टिंग फॉर रिक्वेस्टिंग हिम उससे कि फॉर मर्सी रहम की दरख्वास्त कर रहा था. नेक्स्ट है जी हमारे पास शेर इस पर तरस खाकर उसको छोड़ देता था. छोड़ देता था. फिर हमारे पास कौन सा सेंटेंस आ गया जी, हमारे पास पास्ट इनडेफिनेट आ गया क्योंकि हमें यहाँ पे फिर एक रूटीन का पता चल रहा है लेकिन गुजरे हुए ज़माने में एक इनडेफिनेट टाइम का पता चल रहा है. तो आपने कहना लायन टुक पिटी ऑन हिम लेफ्ट द रैट. नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ दिनों बाद एक शिकारी के जाल, शेर एक शिकारी के जाल में फंस जाता है. तो कुछ दिनों बाद यानी आफ्टर फ्यू डेज, फंस जाना स्टक, लायन गॉट स्टक, फंस जाता था इन अ हंटर्स नेट शिकारी के जाल में. तो फिर हमारे पास पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस आ चुका है. तो नेक्स्ट है जी हमारे पास चूहा आकर वो जाल अपने तेज दांतों से तोड़ रहा था. आपने इसमें कहना है कि रैट केम, चूहा आकर यानी रैट केम, इट वॉज कटिंग नेट विद इट्स शार्प टीथ. कि वो क्या कर रहा था जी, कि पास्ट में आपने यूज़ करना है तो इसे पास्ट कंटिन्यूस में आपने इसको इस तरह से यूज़ करना है. तो नेक्स्ट है जी हमारे पास शेर इस जाल से आज़ाद हो जाता था. फिर हमारे पास पास्ट में सेंटेंस आ गया. तो पास्ट में जब सेंटेंस आ गया तो आपको मालूम है कि आपने क्या करना है, कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है और विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. लायन गॉट फ्री फ्रॉम दैट नेट. तो नेक्स्ट है जी हमारे पास शेर चूहे का शुक्रिया अदा करता था. अदा करता था मींस कि ये हमारे पास पास्ट इनडेफिनेट में चला गया. उसके बाद लिखा हुआ है जी, और दोनों उसके बाद दोस्त बनकर रह रहे थे. फिर आपने अब देखें कि सेंटेंस एक है लेकिन उसमें दो डिफरेंट टेंसेस का यूज़ किया गया है. ये कंपाउंड सेंटेंस है और या एंड से पहले और है तो उसके बाद और है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं सेंटेंस का. शेर चूहे का शुक्रिया अदा करता था. लायन थैंक्ड, यहाँ पे थैंक यू या वर्ड जो थैंक है वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है. लायन थैंक्ड द रैट एंड उस दोनों उसके बाद दोस्त बनकर रह रहे थे. एंड आफ्टर दैट बोथ वर लिविंग एज अ फ्रेंड. कि यहाँ पर फिर हमारे पास हुआ कि दूसरे हिस्से में हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस का आ गया. तो आपने इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स को अप्लाई कर देना है. तो ये जी हमारे आज के वर्ड्स हैं या लाइंस हैं जो कि आपने कन्वर्ट करने हैं. उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो की आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी, बल्कि कंपैरेटिवली जो पिछली वीडियोस है उनसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि आज क्लियरली आपके सामने टेक्स्ट था एंड आई वाज नॉट देयर टू बॉदर यू कि सारा कुछ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा था. आई रियली होप कि आपको आज की भी उतनी ही समझ आई होगी बल्कि ज़्यादा समझ आई होगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीडियो. तो उम्मीद करता हूँ कि हम जो नेक्स्ट टाइम है जो टेंसेस करेंगे उसके बाद आपके जो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. टेक केयर.